योग्यता की परीक्षा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। बीरबल अत्यंत चतुर व सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। अपनी सूझबूझ से वे चुटकियों में कठिन से कठिन समस्या को भी हल कर देते थे। प्रस्तुत कहानी उनकी ऐसी ही सूझबूझ को दर्शाती है। मुगल वंश के बादशाह अकबर के नाम को कौन नहीं जानता। अकबर एक प्रतापी और बुद्धिमान बादशाह थे। वे विद्वानों और गुरुजनों का बहुत आदर करते थे। उनके दरबार में 9 बड़े योग्य मंत्री थे, जिन्हें अकबर के नवरत्नों के नाम से जाना जाता था। ये सभी नवरत्न राजकाज में बादशाह अकबर की मदद किया करते थे। इन नवरत्नों में से बीरबल को बादशाह अकबर सबसे अधिक मानते थे। बुद्धिमानी, सूझबूझ, कुशलता और राजनीति में उनसे बढ़कर और कोई न था। बीरबल की बुद्धिमानी पर अकबर को बहुत भरोसा था। बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, बीरबल को उसका हल खोजने में देर नहीं लगती थी। अकबर के सामने जब कोई समस्या या उलझन होती जो किसी से भी हल नहीं होती थी, तब उसका उपाय बीरबल ही बताते थे। इसलिए दरबार में बीरबल को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था। अकबर के दरबारी बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा को देखकर उनसे जलते थे। वे किसी तरह उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। तानसेन भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर उनके संगीत पर मोहित थे। तानसेन मुसलमान होने के नाते अकबर के दरबारियों की दृष्टि में बीरबल से अधिक सम्मान रखते थे। इसलिए वे चाहते थे दरबार में तानसेन को ऊंचा स्थान प्राप्त हो। एक बार कुछ मुसलमान दरबारी इकट्ठे होकर अकबर के पास गए और बोले, जापना, तानसेन जैसा गुणवान दूसरा मिलना कठिन है। योग्यता में तानसेन बीरबल से बढ़कर है। बीरबल तो उनके पैरों की धोवन भी नहीं है। इसलिए दरबार में तानसेन को बीरबल से ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिए। हमारी आपसे प्रार्थना है हुजूर, बीरबल बहुत छोटे दर्जे का आदमी है, उसे जरूरत से ज्यादा ना चढ़ाया जाए। अकबर दरबारियों के मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा, हिंदू या मुसलमान होने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। बड़ा तो आदमी अपने गुणों से होता है। तानसेन संगीत में बहुत योग्य हैं और महान हैं, परंतु बुद्धि, सूझबूझ और अन्य गुणों में बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकते। यह सुनकर सब दरबारी उदास मन से वहां से लौट आए। वे अब किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब बीरबल को नीचा दिखाया जा सके। आखिर एक दिन वह अवसर आ ही गया। एक दिन दरबार लगा हुआ था। तानसेन ने एक सुंदर राग गाया। सब दरबारी आनंद से झूम उठे। बादशाह अकबर वाह वाह करने लगे। अकबर ने प्रसन्न होकर तानसेन से इनाम मांगने को कहा। बादशाह उन्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहते थे। तानसेन अभी चुप ही थे कि सारे दरबारियों ने एक स्वर में शोर करते हुए कहा, तानसेन बहुत गुणी हैं, उन्हें दरबार में बीरबल से ऊंचा स्थान मिलना ही चाहिए। बीरबल तानसेन की बराबरी नहीं कर सकते। बादशाह अकबर ने सबको चुप किया और बोले, तुम लोगों पर मजहब का भूत सवार है, इसलिए तुम्हें तानसेन में सारे गुण दिखाई देते हैं और बीरबल में सारे दोष। परंतु मजहब को ना देखकर ईमानदारी से माना जाए तो योग्यता में तानसेन बीरबल की बराबरी नहीं कर सकते। सब दरबारी एक साथ चिल्लाए, जहांपनाह, दोनों की योग्यता की परीक्षा ली जाए। यदि इस परीक्षा में बीरबल तानसेन से बड़े सिद्ध हुए तो फिर
हम कभी ये बात नहीं उठाएंगे। अकबर ने दरबारियों की बात मान ली। बोले, समय आने पर दोनों की योग्यता की परीक्षा ली जाएगी। यदि तानसेन योग्यता में बीरबल से बड़े निकले तो उन्हें दरबार में बीरबल से बड़ा स्थान दिया जाएगा और यही उनका इनाम होगा। अगले दिन बादशाह अकबर ने तानसेन और बीरबल दोनों को बुलाकर उनके हाथ में एक बंद लिफाफा दिया और दोनों को हुक्म दिया कि वे बर्मा, जैसे आज हम म्यांमार भी कहते हैं, वहां के राजा के पास जाकर ये पत्र उन्हें दे दे और जैसा वे कहें वैसा ही उनके आदेश का पालन किया जाए। बीरबल और तानसेन दोनों बर्मा देश के राजा के पास जा पहुंचे। दोनों ने अपना अपना पत्र पेश किया। राजा ने दोनों के पत्र खोलकर पढ़े। दोनों में यह लिखा था कि इन दोनों आदमियों को आपके पास भेज रहा हूं। पत्र पढ़ते ही जल्लादों से इन्हें मरवा दें। राजा को देखने में दोनों आदमी भले लग रहे थे। उन्होंने इस बारे में अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने कहा, इन्हें एक सप्ताह के लिए कैद में डाल दीजिए और दोनों से कह दीजिए कि एक सप्ताह में अपना अपराध स्वीकार कर लें। यदि वे अपराध साफ साफ बता देंगे तो छोड़ दिए जाएंगे और यदि अपराध छिपाएंगे तो दोनों को जल्लादों से मरवा दिया जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। बीरबल और तानसेन दोनों को अपना अपना अपराध बताने के लिए एक सप्ताह का समय देकर कैद खाने में डाल दिया। बीरबल कैद खाने में खुश थे लेकिन तानसेन चिंता से सूख रहे थे। उन्हें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। तानसेन ने बीरबल से कहा, बीरबल, जान बचाने का कुछ तो उपाय हो सकता है। बीरबल बोले, इसमें घबराने की कौन सी बात है, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तानसेन बोले, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, बस एक बार इस कैद खाने से बाहर निकलवा दो, मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। बीरबल बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, 7 दिन बाद जब हम दोनों को मारने के लिए ले जाया जाएगा तब तुम इस जिद पर अड़ जाना कि पहले मुझे मारो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। ईश्वर ने चाहा तो एक सप्ताह बाद हम सकुशल दिल्ली वापस लौट जाएंगे। तानसेन बोले, मैं ऐसा ही करूंगा। 7 दिन बीत गए। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। राजा के आदेश पर जल्लाद इन दोनों को मारने के लिए ले जाने लगा तब दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया कि पहले मुझे मरना है, पहले मुझे। राजा ने यह देखा तो दोनों को रोककर पूछा, क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे से पहले क्यों मरना चाहते हो? बीरबल बोले, महाराज, बात बताने लायक तो नहीं है किंतु यदि आप मुझे पहले मारने का वचन दें तो मैं आपको बता सकता हूं। राजा ने बीरबल की शर्त मंजूर कर ली। तब बीरबल ने कहा, महाराज, सच बात यह है कि बादशाह अकबर आपके राज्य पर बहुत दिनों से आंखें गड़ाए हुए हैं लेकिन आपकी बहादुरी देखकर उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। उन्हें काशी के महान ज्योतिषी ने कहा है कि यदि वे अपने 2 विश्वासपात्र सेवक आपके हाथों मरवा देंगे तो पहले मरने वाला सेवक अगले जन्म में बर्मा का राजा बनेगा और दूसरा सेवक उसका मंत्री बनेगा। मेरी राजा बनने की इच्छा बहुत दिनों से थी, यदि इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में ही सही। यह बात सुनते ही राजा की भौहें तल गई, आंखें क्रोध से लाल हो गई। राजा क्रोध से तिल मिलाकर खड़ा हो गया। उसने तानसेन और बीरबल को बाहर धक्का देकर निकालते हुए कहा,
चले जाओ यहां से, अपने बादशाह से कह देना कि बर्मा का राजा तुम्हारा गुलाम नहीं है, जो उनके हुक्म से दो बेगुनाहों की जान लेकर पाप का भागी बने। उधर अकबर पहले ही निश्चिंत बैठे थे कि बीरबल अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर मौत के मुंह से अवश्य ही बचकर निकल आएंगे। तानसेन और बीरबल दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सबके सामने अपनी रोचक यात्रा का वर्णन सुनाया। उसे सुनकर सभी दरबारियों ने मान लिया कि बुद्धिमानी में बीरबल से बढ़कर कोई नहीं है। इस प्रकार योग्यता की कठिन परीक्षा में सफल होने के बाद बीरबल से जलने वाले दरबारियों के मुंह सदा के लिए बंद हो।